ये पहाड़ हैं, ये नदियाँ, ये हरी भरी जंगल। आप लोग सोच रहे होंगे शहर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से मैं अचानक ये कहाँ आ गया। तो चलिए आज का ये सफ़र शुरू से शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो भाई कहीं जाने वाला था, आप लोग को तो पता है शिफ्ट होने वाला था, तो फाइनली आज इतने दिनों के बाद शिफ्ट हो रहा हूँ। तो आगे चल के बात करते हैं, सामान वगैरह यहाँ पड़ा हुआ है, शिफ्ट हो रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा सामान है। तो ये देखो सारा कुछ बिखर के पड़ा हुआ है, तो बस मैं गाड़ी में बैठ के आप लोगों से बात करता हूँ। चलो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ मेरे एक मामा के घर, मतलब कि मैं आज अकेला नहीं जा रहा हूँ। तो बस वहाँ से जाने के बाद फिर निकल के आप लोगों से बात करता हूँ। जब आप 4 महीनों से घर पे बंद पड़े हों और अचानक से आपको ये सब नज़ारा देखने मिल जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो वैसे ही मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। सो गाइज, ये नज़ारे आप लोग एंजॉय कीजिए। सो भाई, सफ़र में आने के बाद तो कुछ ना कुछ तो ख़राब देखना ही पड़ता है, जैसे कि ये। सो गाइज, बिकॉज ऑफ COVID-19 हम लोगों ने कहीं पे भी स्टॉपेज नहीं लिया। हम लोगों ने तय ये किया कि हम लोग रास्ते पे एक ही बार रुकेंगे और वो है लंच के लिए। सो गाइज, इसीलिए हम लोग आगे भवानीपटना में रुकने वाले हैं। चलिए सो गाइज, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मामा सो है, भवानीपटना पहुँचने वाला है। रास्ता बहुत ख़राब है, तो भवानीपटना में मिलता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 3:30। अभी हम लोग भवानीपटना क्रॉस कर चुके हैं, रास्ते पे रुके हैं लंच के लिए, मतलब होटल होटल में नहीं खा रहे हैं, मतलब लाए हुए हैं साथ में। तो भाई मैं भी प्रिफर करूँगा कि अगर कहीं जा रहे हो ऐसे बाहर मत खाना, घर से ही कुछ लेके आ जाना, खा लेना। तो बस हम लोग ने सुबह का नाश्ता भी वही रोल खाया था, और हाँ सुबह से ब्लॉग इसलिए नहीं किया कि भाई रात भर सोया नहीं हूँ, इसीलिए सनग्लासेस पहना हूँ। आँख का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, रात भर सोया नहीं था, अभी ड्राइव कर रहा था। तो बस, तो यहाँ से थोड़ा मैं अभी ब्लॉगिंग करूँगा, तो
चलो आगे देखते हैं और क्या। तो मैं भी खाना ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस हम लोग का खाना पीना हो चुका है ख़त्म, अभी ऐसे निकल जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:40, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। टाइम लैप्स देखें यहाँ पे कैसे लगा बस। अरे यार, मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं हम लोग मतलब कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि मैं पापा के पास शिफ्ट होने वाला हूँ, तो अभी वही शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ इंद्रावती। इसको नहीं पता, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट पे मतलब ये जगह आता है, बहुत अच्छा जगह है, पूरा नेचुरल जगह है। तो आपको जाते टाइम पे जो भी सीन आएगा देख लेना, और वहाँ पे जाने के बाद अभी ब्लॉग का तवाही आने वाला है। सो स्टे ट्यून, अभी से आ जाएगा ठीक ठाक। और हाँ, ये वीडियो 4-5 दिन के बाद ही आएगा शायद, मतलब मैं वहाँ जाने के 4-5 दिन के बाद ही आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि भाई अभी जाऊँगा तो घर नहीं जाऊँगा। सोच रहा हूँ मतलब मामा के पास होम क्वारंटाइन पर रह जाऊँ, फिर उसके थोड़ा टाइम लगेगा एडिट करने में, और यहाँ पे नेट वेट का थोड़ा पंगा है। सो देखते हैं। तो गाइस अभी आमपानी घाटी हो चुका है ख़त्म, टाइम हो रहे हैं 5:30। तो एक्चुअली यहाँ पे इसलिए रुके हैं कि ये देखो पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मुझे फ़ोटो क्लिक करना था यहाँ से, तो इसलिए हम रुके हैं, मामा गाड़ी पे बैठे हैं। तो बस फ़ोटो वोटो क्लिक करके हम लोग निकलते हैं, और आगे का वीडियो एंजॉय करो। तो बस चलो। सो गाइस मैं फ़ोटो ले चुका हूँ, देखता हूँ इंस्टाग्राम में, अगर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना फ़ोटो कैसा है आपको वहाँ देखने मिल जाएगा। तो बस अभी जल्दी से निकलते हैं। भाई इतने दिनों के बाद इधर आके इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बताऊँ। बस इंटरनेट का यहाँ पे थोड़ा पंगा है, नहीं तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी वहाँ से हम लोग जस्ट निकले थे, पापड़ांडी और 15 किलोमीटर है भाई। यहाँ पे अभी देखो बारिश, तो बहुत जोर की बारिश होती है, देखते हैं पहुँचने में कितना टाइम लगता है घर, फिर आगे मिलता हूँ आप लोगों से। अब बारिश एंजॉय करो।
जेंटली खोती खाती गुड इंद्र बाटी चुप कर दे। तो गाइस फाइनली नवरंगपुर पहुंच चुके और कितने 35 किलोमीटर यहां से जा रहे हैं। चलो फिर आगे मिल रहा हूं, अभी और कुछ दिखाने तो है नहीं, पहुंच के वीडियो एंड करूंगा और क्या, चलता है। सो भाई मुझे यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन हो चुके हैं और मैं आज वीडियो एडिट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास यहाँ रूम वगैरह नहीं था। एक्चुअली मेरा रूम रेडी नहीं हुआ था, तो अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है रूम और बस आज ही मैं एडिट करके आज मुझे अपलोड करना ही है। तो भाई और एक बात बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के ऊपर आने वाला है। तो बस आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।